जय महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बात करूंगी आपसे मार्गशीर्ष यानी कि अगहन मास के बारे में। मार्गशीर्ष मास की विशेषता क्या है, इस महीने में किस देवी देवता की पूजा करेंगे आप, मार्गशीर्ष मास में क्या खाना चाहिए, किन चीजों का त्याग करना चाहिए, सभी विशेष बातें आज की वीडियो में। तो मार्गशीर्ष अर्थात की अगहन, अगहन का महीना जो आम बोलचाल की भाषा में या फिर हिंदी भाषा में तो मार्गशीर्ष करते हैं, इसी को अगहन भी कहते हैं। तो अगहन मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस देवी देवताओं की पूजा करना चाहिए। दोस्तों, कहा गया है कि गीता में भगवान विष्णु ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ और मासा नाम मार्गशीर्षो अहम्, मासों में मैं मार्गशीर्ष यानी कि अगहन मास हूँ। तो इतना विशेष मास है जिसे भगवान विष्णु ने स्वयं अपना रूप दिया है, स्वयं अपना नाम दिया है और कहते हैं कि मैं महीनों में मैं अगहन हूँ। तो वो अगहन महीना आपको 16 तारीख से प्रारंभ हो चुका है। तो क्या करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, अगहन के महीने में भगवान विष्णु की, कृष्ण जी स्वरूप या विष्णु जी की पूजा करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन के सभी दुख, तकलीफ, दारिद्र्य और कष्ट दूर होते हैं। अगहन के महीने में कुछ विशेष चीजों का सेवन करना चाहिए, जैसे कि अगहन के महीने में मोटे अनाज जो होते हैं, उन मोटे अनाज जैसे कि ज्वार, बाजरा, इन सब तरीके के अनाजों का सेवन करना चाहिए और गुड़ का सेवन करना अगहन के महीने में बहुत उत्तम माना जाता है। अगहन के महीने में गुरुवार और रविवार का पूजन बहुत उत्तम होता है। अगहन के महीने में अगहन गुरुवार का पूजन होता है और रविवार, हर रविवार का व्रत किया जाता है। रविवार सूर्य को प्रबल करने के लिए अगहन के महीने में जितने भी 4 या 5 रविवार पड़ते हैं, उन रविवार का भी व्रत किया जाता है और अंतिम रविवार को उद्यापन किया जाता है। तो अगहन के महीने में ये 2 व्रत जो होते हैं वो बहुत विशेष होते हैं, जिनको कि किया जाना बहुत मतलब फलदायी होता है। अगहन के महीने में एक और विशेष चीज है कि जैसे जीरा नहीं खाया जाता है, जैसे सब्जियों में तड़का मारते हैं आप, दाल में करते हैं, तो इस तरीके से जीरा का सेवन अगहन महीने में मना किया जाता है। बाकी सारी चीजों में विशेष चीज है, जैसे तिल, तिल का सेवन करना बहुत अच्छा है, सफेद हो गया, काले तिल हो गया, इसका सेवन करना उत्तम होता है। गुड़ का सेवन करना उत्तम होता है, गन्ने का सेवन करना उत्तम होता है। तो इन सारी चीजों को खाना पीना बहुत अच्छा होता है। और वहीं पे जो चीजें नहीं खाई जाती है उसमें विशेष कर है जीरा। जीरा का सेवन वर्जित बताया गया हमारे शास्त्रों में और शास्त्र ये कहता है कि जो चीजें जिस मास में नहीं खाना चाहिए उनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि हर हमेशा जो है वो चीजें जो नहीं खाई जाती हैं वो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान करती है। हम भले ही आज देख पाए ना देख पाए, लेकिन वो चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदेह होती है। अब ये तो खाने पीने की बात हो गई, अब हम बात कर लेते हैं पूजा की। तो देखिए दोस्तों, अगहन के मास में कोई नया व्रत अगर आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कोई नया व्रत कर सकते हैं। जैसे आप कोई साप्ताहिक व्रत करना चाहते हैं, माहवारी वाला व्रत करना चाहते हैं, जो भी व्रत आप करते हैं तो अगहन के महीने में कर सकते हैं। अगहन के महीने में गुरुवार का व्रत करना स्थायी लक्ष्मी दिलाने वाला होता है। तो काफी लोग अगहन गुरुवार का व्रत करते हैं, तो अगहन के मास में गुरुवार का व्रत करना बहुत उत्तम माना जाता है। अगहन के मास में जैसा कि मैंने बताया, रविवार का भी व्रत करना, रविवार के दिन मीठे भोजन करना शाम को एक समय, जैसे गुड़ का बना हुआ और आटे का बना हुआ, गेहूं के आटे का बना हुआ भोजन बहुत उत्तम होता है। और दोस्तों एक चीज बता दूं कि गुरुवार का व्रत ना वैसे ही सूर्य को मजबूत करने, जितने भी लोग सरकारी नौकरी के लिए परेशान रहते हैं उन लोगों को तो ये गांठ बांधना है कि उन्हें रविवार को नमक और सरसों के तेल का त्याग ही कर देना चाहिए। और जब इन 2 चीजों का त्याग कर देता है तो व्यक्ति को मीठा भोजन रख लेना चाहिए, व्रत कर लेना चाहिए, रविवार का उत्तम होता है आपके लिए। बाकी कौन रविवार का व्रत करे, तो देखिए दोस्तों, नाम और यश कीर्ति किसे नहीं चाहिए, सबको चाहिए कि उसका नाम हो, उसका यश हो, उसका कीर्ति हो, समाज में मान सम्मान बढ़े। और एक चीज और बता दूं आपको कि रविवार का व्रत करने से ना ऑरा मजबूत होता है। ऑरा क्या मतलब, कि जैसे आपको देखकर लोगों के अंदर ये समझ आ जाएगी कि आप हैं क्या चीज, आपके चेहरे को देखकर वो अद्भुत आकर्षण लोगों तक पहुंचेगा, तो ऑरा इसको कहते हैं। तो जिन लोगों को ये है कि बहुत नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन समाज में उनकी कोई कदर नहीं होती, जो है वो भी नहीं लोग पहचान पाते हैं, कभी कभी बहुत अच्छा होने के बावजूद लोग जो है देख करके तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आपके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी नॉलेज है। तो इस तरीके की कोई दिक्कत चल रही है तो आपको जरूर रविवार का व्रत करना चाहिए। और अगहन मास से यदि रविवार का व्रत आप प्रारंभ करते हैं तो बहुत उत्तम होता है।
और दोस्तों मार्गशीर्ष के महीने में गजेंद्र मोक्ष विष्णु सहस्त्र नाम और भगवान श्री राम जी का कोई भी पाठ, रामचरितमानस का पाठ अगर शुरू करना चाहते हैं तो ये सभी पाठ आप अगहन के मास से शुरू कर सकते हैं। बेहद उत्तम होता है अगहन के मास से शुरू करना। तो जो भी पाठ शुरू करना चाहते हैं, जैसे आप एक महीने का मास पारायण रामायण करना चाहते हैं, तो एक महीने का आप जो है मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा को अगहन मास के जो रामायण खत्म करके और हवन वगैरह कर देंगे। तो जो लोग करना चाहते हैं वो बहुत उत्तम है। प्राय जो है हम नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ और मासों में मैं अघन हूँ। तो स्वयं जिसे भगवान नारायण ने अपना रूप बताया है, वो चीज कितनी विशेष होगी, कितनी महत्वपूर्ण होगी। अघन मास में भी पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व बढ़ जाता है। तो अघन के महीने में कुछ विशेष चीजें हैं, जैसे कि अघन के महीने में कुछ शरीर को जो गर्म रखने वाली चीजें हैं वो खाई जाती हैं और उससे हमारे स्वास्थ्य को लाभ होता है। और बता देती हूँ आपको कि पूजा क्या करना है, पाठ क्या करना है, ये तो हो गया। अगहन के महीने में एक और विशेष बात है, लक्ष्मी कृपा। अगर स्थायी लक्ष्मी नहीं है तो आप सुबह सवेरे जगिए अगहन के महीने में और जग करके अपने दहलीज की पूजा करिए। दहलीज की पूजा करने के बाद आप घर में बैठिए और जहाँ पे लक्ष्मी जी नारायण के साथ विराजमान हो, कोई मूर्ति हो, फोटो हो, वहां पे लाल और पीले पुष्प चढ़ा करके बैठ करके और कनक धारा स्त्रोत्र या फिर कनक धारा स्त्रोत्र के बजाय आप श्री सूक्तम का पाठ करते हैं तो उसमें लक्ष्मी नारायण दोनों की स्तुति साथ साथ हो जाती है। तो इस तरीके से करके आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। और आपको वीडियो कैसी लग रही है बताइएगा जरूर। अच्छी लगे तो लाइक करना भूलिएगा मत, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो अघन का मास विशेष हो जाता है, परम विशेष हो जाता है, क्योंकि भगवान ने स्वयं जिसे अपना नाम दिया है वो चीज तो छोटी हो ही नहीं सकती। अघन में और क्या करना है दोस्तों, अघन के महीने में सारे काम तो विशेष होते हैं, अघन के मास में दान का बड़ा महत्व होता है। अगर आप एक काम कर देते हैं कि अघन में नहाने के बाद आप अपनी मुट्ठी से 5 मुट्ठी अन्न डेली दान करते हैं, तो इससे जितने भी आपके ग्रह होते हैं, बुरे ग्रह होते हैं, तो आप डेली 5 मुट्ठी लेकर कहाँ जाएंगे दान करने, तो उसे एक जगह करते रहिए। और अघन पूर्णिमा के दिन आप इसे किसी जगह पे दान कर दीजिए, ब्राह्मण को या जरूरतमंद को आप इसे दान कर दीजिए, तो इससे जितने भी आपके बुरे ग्रह होते हैं, नकारात्मक प्रभाव होते हैं, कोई नजर लगी रहती है, कोई टोना टोटका, कोई टोक, इस तरह की कोई समस्या रहती है तो वो दूर हो जाती है। छोटे बच्चे जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, केवल खेलते हैं, एकाग्रता नहीं है, उनसे भी करा सकते हैं कि स्नान कराने के बाद उनकी मुट्ठी से 5 मुट्ठी अन्न निकाल कर रखते जाएं और ये हर महीने पूरे महीने रखते जाएं, पूरे अघन महीने रखते जाएं, और अघन की पूर्णिमा को आप इसे ले जाकर अपने हाथों से किसी को दान कर दीजिए। तो ये काम बहुत असरदार है। और चलिए, अब मुझे लगता है सारी विशेष बातें अघन से जुड़ी हुई हो गई। अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।